वेलकम बैक टू अर चैनल। आप देख रहे हैं आर्चर ऑटो लॉक की एक वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी गाड़ी दिखाने वाले हैं जो कि जिसको देख के आप अपनी नज़र हटा ही नहीं सकते हो। तो हाँ, हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो पे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। आर्चर ऑटो लॉक की वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हो। तो आइए देखते हैं आर्चर ऑटो लॉक की ये वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले स्कॉर्पियो के ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी और से बहुत सारे स्टंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम जो पहली वीडियो आई है हमारे पास, ये देख लीजिए स्कॉर्पियो को इंक्लाइन चढ़ते हुए, जो कि काफ़ी हद तक बेटर किया है स्कॉर्पियो ने। देख लीजिए आप, बीच में थोड़ी सी टच हुई लेकिन कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम इसने क्रॉस कर लिया। ये देख लीजिए जो कि स्कॉर्पियो से कितने ज़्यादा पावरफुल इंजन्स रहते हैं ट्रैक्टर में, तो आप सभी को बताऊंगा। लेकिन स्कॉर्पियो को देख लो, अब एकदम इजीली खींच रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रैक्टर फंस गया है, नहीं सॉरी ट्रक फंस गया है, जिसको आप देख लीजिए स्कॉर्पियो बिना अपने टायर स्किड किए हुए ट्रक को जो है आसानी से निकाल लेती है। देख लीजिए आप, विदाउट टायर स्किडिंग स्कॉर्पियो में आपको 4x4 का भी ऑप्शन मिलता है। और स्कॉर्पियो को जैसे कि आप सभी को बताऊंगा कि 0 स्टार रेटिंग मिली, लेकिन उस के बावजूद भी इंडियन में ये देख लीजिए आप स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो जो है वो अपनी सस्पेंशन की वजह से जानी जाती है। यहाँ पे हम आपको ड्राइव रेस दिखाने वाले स्कॉर्पियो वर्सेस टाटा सफारी। टाटा सफारी का इंजन स्कॉर्पियो से काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो जो है आगे निकल जाती है। देख लीजिए, अब जो वीडियो क्लिप आने वाली है यहाँ पे देख लीजिए आप कितना बड़ा इंक्लाइन हम चढ़ते हुए देखेंगे। बाप रे, कितने ऊपर तक, मेरे 3 फीट ऊपर तक ये जो चल चुके हैं। और ये वीडियो क्लिप में हम आपको दिखाने वाले हैं कि XUV500 जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव में ही आती है, तो इसको जो है स्नो में चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए स्कॉर्पियो जो है अच्छी तरीके से इसको रेस्क्यू कर लेती है और एकदम ईजिली खींच लेती है। अगली वीडियो क्लिप आने वाली है बुलेरो वर्सेस स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो देख लीजिए, बुलेरो जो है वो स्कॉर्पियो से हार चुकी है, और अपनी स्कॉर्पियो जो है देखो ऐसा लग रहा है कि खींचते खींचते स्कॉर्पियो इसको अपने घर ही लेके चले जाएंगे, लेकिन बुलेरो जो है वो बिल्कुल भी रेस्क्यू नहीं कर पा रही है। देख लीजिए आप, स्कॉर्पियो ऐसा लग रहा है कि घर लेके चले जाएंगे इसको। तो यहाँ पे भी स्कॉर्पियो विन हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आने वाली है कि आप देख लीजिए आप जो है ऑफ रोडिंग टेस्ट चालू है स्कॉर्पियो का, एकदम इंक्लाइंड एकदम इजीली चढ़ते हुए विदाउट एनी ट्रैक्शन लूज करते हुए। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब हम आपको दिखाने में किसी डायगोनल गड्ढे जिसमें टायर जो है पूरी तरीके से अंदर चला जाता है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो एकदम अच्छे से रेस्क्यू कर लेती है इन ऑफ रोडिंग टेस्ट को। देख लीजिए आप, पूरा जो एक टायर होता है वो पूरी तरीके से गड्ढे में चला जाता है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए गाड़ी जो होती है वो पूरी 30-40 डिग्री एक साइड हो जाती है। देख लीजिए कितना ऊपर तक टायर जो है वो चला गया है, फिर भी जो है स्कॉर्पियो एकदम इजीली रेस्क्यू कर लेती है। नेक्स्ट वीडियो क्लिप जो आ रही है हमारी, हम आपको स्कॉर्पियो को इंक्लाइन चढ़ते हुए दिखाएंगे। देख लीजिए एकदम इजीली जो है चढ़ गई है, एकदम इजीली। थोड़ी सी जो है यहाँ पे अट्रैक्शन लूज हुआ था, लेकिन विदाउट एनी 4x4 प्रॉब्लम। यहाँ पे भी हम आपको एक ऑफ रोडिंग दिखाने वाले हैं, जो मड ऑफ रोडिंग होने वाली है। यहाँ पे भी अच्छी अच्छी गाड़ियों का दम जो है टूट जाता है। यहाँ पे टेस्ट चालू है, देख लीजिए यहाँ पे आपको हम फ्रंट चलते हुए भी दिखाएंगे और रिवर्स चलते हुए भी गाड़ी को दिखाएंगे। ये देख लीजिए, और यहाँ पे जो है रेनॉल्ट की डस्टर जो है फंस चुकी है, ये भी 4x4 आती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्कॉर्पियो उसको अच्छे से एकदम इजीली मड में भी गाड़ी जो है दूसरी गाड़ी को खींच रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कौन सी वीडियो क्लिप अच्छी लगी वो हमें आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो कि देख लीजिए टायर के लेवल के हिसाब से पानी आ चुका है, फिर भी जो है एक
पानी भरा रहता है लद्दाख वगैरह, हम जब जाते हैं तब ऐसी बहुत सारी जगह आती है, देख लीजिए एकदम इजीली जो है स्कॉर्पियो जो है इस वाटर को क्रॉस कर लेती है। देख लीजिए आधी गाड़ी डूब चुकी है फिर भी स्कॉर्पियो जो है इजीली रेस्क्यू कर लेती है। ये जो वापस आते हुए भी आप देख लो स्कॉर्पियो कैसी गाड़ी है, जिस अगर स्कॉर्पियो आपके बाजू से जा रही है ब्लैक कलर में और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, तो आप उसको मुड़ मुड़ के देखोगे ही देखोगे। इसको हम माफियाज की बदमाशों की गाड़ी भी बोलते हैं, नेताओं की पहली पसंद होती है स्कॉर्पियो, हम आपको बता दें टॉप सेलिंग कार्स में भी आती है। ये जो वीडियो क्लिप होने वाली है जिसमें आप स्कॉर्पियो वर्सेस थार भी देख लो, देख लीजिए ये जो है स्कॉर्पियो का ओल्ड मॉडल है, लेकिन इसमें भी जो है पावर कम नहीं आती, ये इसमें जो है 4x4 ऑप्शन विदाउट 4x4 ऑप्शन वाली है ये, और थार जो है 4x4 है, तो आप देख लीजिए। स्कॉर्पियो जो है वो विन हो चुकी है। जो नेक्स्ट वीडियो क्लिप निकल के यहाँ आती है हमारी, वो आती है भाई देख लीजिए ट्रैक्टर का काम करवा रहे हैं स्कॉर्पियो से, जो कि एकदम इजीली कर रही है। हालांकि ये कामों के लिए जो स्कॉर्पियो बनी नहीं है, लेकिन कुछ भाई साहब स्कॉर्पियो की ताकत जो है दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर का काम जो है स्कॉर्पियो से करवा रहे हैं, तो फिर भी स्कॉर्पियो कभी नहीं। हम आपके यहाँ ड्रैग रेस दिखाने वाले हैं स्कॉर्पियो वर्सेस फॉर्चुनर की, तो भैया जी देख लीजिए 40 लाख और 20 लाख का कमाल अभी तक जो है वो फॉर्चुनर नहीं कर पाई है। स्कॉर्पियो इसमें भी विन हो चुकी है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं स्कॉर्पियो वर्सेस, देख लीजिए भाई स्कॉर्पियो वर्सेस से काफी हद तक बना है। ये देख लीजिए काफी अच्छी पार्ट आपको अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप।